सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गिरवच। ये बहुत से जगहों पर अरबी के पत्ते के पकौड़े, बहुत से जगहों पर गिरवच के नाम से जाने जाते हैं, बहुत से जगहों पर इसे कच्चू के पत्ते के पकौड़े भी कहते हैं। हमारे घर में हम इसे गिरवच कहते हैं। इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत है पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरवच बनाने के लिए हमने लिया है अरबी के पत्ते। ये मेरे बगान के ही पत्ते हैं। देखिए, इसे पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक सूखी कपड़े से मैंने इसे सुखा लिया है। इसके लिए हम लेंगे चना का दाल। मैंने इसे रात भर भिगो के रखा था, आप चाहे तो 4 से 5 घंटे भिगो के रख सकते हैं। हरी मिर्च, यहाँ 7 से 8 हरी मिर्च लिया है। लहसुन की कलियाँ 20 से 25 लिया मैंने। आम का अचार दिया है 2 पीस मसाले के साथ। और मसालों में है जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गोल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून और आमचूर का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। सब यहाँ मैंने पाउडर लिया है और एक साथ रखा है। यहाँ पर एक धागा लिया है, इसे मैंने वॉश कर लिया है धागा को, और सरसों का तेल फ्राई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। सबसे पहले हम चने के दाल को, लहसुन को और हरी मिर्च को और अचार को, अचार का गुठली निकाल कर इन सभी को पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पीस लिया है चने के दाल को। आप चाहें तो इस जगह पर बेसन का भी यूज कर सकते हैं। चने का दाल मैंने 250 ग्राम लिया है क्योंकि हर बार पत्ते के साइज कभी छोटा कभी बड़ा मिलता है, इसलिए हम एक निश्चित क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं कि इतना ही लगेगा, मगर 250 ग्राम चने के दाल में जितना मैंने मसाला बताया था उतना लगेगा। अब हम इस चने के दाल में ये मसाले जो लिए थे मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसालों को मिक्स कर दिया है पूरे दाल में अच्छे से। अब हम लेयरिंग करेंगे पत्तों का। सबसे पहले हम एक पत्ता लेंगे। पहले मैंने इस जगह को क्लीन कर लिया है, आप चाहे तो प्लेट को यूज कर सकते हैं। बड़ा पत्ता लेंगे एक। उसके बाद हम इस दाल को इसमें अच्छे से लगाएंगे। बहुत मोटा परत ना चढ़ाएं क्योंकि अभी और बहुत सारी परत इसमें चढ़ानी है पत्ते की। इसमें हाथों का यूज करें आप। एकदम साइड तक दाल ना लगाएं, बीच में ही कोशिश करें लगाने का। देखिए, एक पत्ता कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पत्ता को लेके ठीक इसके अपोजिट में इसे रखेंगे। अगर ये इस तरह है तो पत्ता इस तरह रखेंगे, इस तरह करके। पीछे का डंठल मैंने साफ कर दिया है, अच्छे से इसमें चिपकाएंगे और फिर दूसरा परत इसी तरह करके चढ़ाएंगे। मैंने इसमें खटाई का यूज़ ज़्यादा किया है क्योंकि कच्चू का जो पत्ता होता है, मतलब अरबी के जो आप लोग बोलते हैं, अरबी के पत्ते जो होते हैं, वो थोड़ा सा गला कटता है उससे, वो थोड़ा इचिंग होता है इससे। ऐसे ये मेरे बगान का है तो मुझे पता है कि इससे इचिंग नहीं होगा, पर फिर भी आप कॉन्शियस रहें, ज़्यादा इचिंग नहीं होती है और आप खट्टा डाल देंगे तो नहीं होगी। फिर एक पत्ता लेंगे, आप इसको ऐसे डालेंगे। इस तरह करके मैं इसमें 6 पत्ते लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ 6 पत्ते लगा लिए हैं। अब हम इसे मोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम
दोनों साइड फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस साइड को फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे रोल करेंगे। और फिर ये पार्ट जो है इसे पहले रोल कर देंगे इस तरह करके और इसे मिला देंगे। इस पार्ट को पहले रोल करें, ये खुला मत छोड़ें, दाल बाहर आ जाएगा। देखिए इसे हल्का सा प्रेस कर दें। अब धागे का काम, ये जो मैंने धागा लिया था इसे इसमें लपेट देंगे, हल्का सा लपेटें, इसे बाद में हम काट देंगे। ये अभी खुले ना, इसीलिए हम इसमें लपेट दे रहे हैं, रफली ही लपेटे। बस इसे हल्के से प्रेस कर दे। ये एक रोल कंप्लीट है। इसी तरह मेरे पास और पत्ते हैं तो मैं सबका बनाऊंगी, बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरे 3 कंप्लीट हुआ है। 19 पत्ते थे मेरे पास छोटे बड़े मिलाकर और 250 ग्राम दाल, उस रेशियो से मैंने यहाँ पर 3 बना लिए हैं देखिए। और अब क्या किया है, एक इस तरह का जाली वाला प्लेट लिया है और एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है और इसको इस तरह रख दिया। अब हम इसमें स्टीम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने इसमें मीडियम फ्लेम करके रखा हुआ है। आप गैस पे बनाएंगे तो मीडियम फ्लेम में रखें, हाई ना करें, फिर पानी उबलेगा तो इसके नीचे तली में पानी सटेगा। और एक ढक्कन से इसको बराबर से हम ढक देंगे, चाहे तो इसके पर कुछ भारी रख दे, इसे अच्छे से आप ढक दे सब तरफ से और इसे स्टीम करते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, ये स्टीम हो चुका है। इसे स्टीम करने के लिए मुझे 10 मिनट लगे। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। बहुत अच्छे से ठंडा करना है इसे, क्योंकि अगर ठंडा करके नहीं फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा देखिए इस पार्ट में बहुत गीला है, तो फ्राई करने के टाइम में छींटे पड़ेंगे, इसलिए इसे अच्छे से ठंडा करते हैं हम। देखिए फ्रेंड, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसका धागा निकाल देते हैं। देखिए आराम से धागा निकल जाएगा। जरूरत पड़े कैंची का तो यूज़ करें, पर ये ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए धागा निकल गया। हम इसी तरह सबका धागा निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सबका धागा निकाल लिया है और ये दो मैं रख दूंगी बाद के लिए, वो मैं कल बनाऊंगी। अब सबसे पहले क्या करना है, इसे कट करना है। इसे बराबर करके कट करना है। देखिए इस तरह करके कट होके निकल जाएगा ये सब। अब हम चलते हैं फ्राई करने की ओर। तो सबसे पहले मैंने वहाँ कढ़ाई गरम करके रखा हुआ है। हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें रखेंगे। पहले 3 मिनट डाल रही हूँ। आपका कंटेनर ज़्यादा बड़ा हो तो आप ज़्यादा करके डाल सकते हैं। इसे एक तरफ से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम में। लगभग ये एक तरफ से पक चुका है, तो अब फोक की सहायता से हम इसे पलटेंगे।
देखिए इस तरह करके, फोक का ही यूज करें, चम्मच का यूज ना करें। अगर आप कर सकती हैं तो कर सकते हैं, पर फोक से ये टूटेगा नहीं। इस तरह करके हिलाएं इसे। और मैं यहाँ सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग अपने घर में इसे बनाने के लिए सरसों तेल का ही यूज़ करते हैं। अब इसे एक बार और पलटेंगे। ये कंप्लीट हो गया है, देखिए इस पर लाल लाल स्पॉट आ गए हैं और ये कुड़कुड़ा भी लग रहा है। आप इसे जितना धीमा आंच में तलेंगे इतना कुड़कुड़ा होगा। मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम यूज़ किया है, ज़्यादा कुड़कुड़ा हो जाने से भी ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, भीतर से थोड़ा जूसी रहेगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह मैं सब तल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सब फ्राई कर दिया है इसे। और ये कच्चा वाला जो है आप किसी कंटेनर में रख कर ढक कर उसे फ्रिज में रख दें। आप इसे आराम से हफ्ते भर यूज़ कर सकते हैं। जब निकाले फ्रिज से थोड़ा उसे नॉर्मल टेम्परेचर में होने दें और उसके बाद कटिंग करके इसी तरह करके फ्राई कर लें आप। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। सो फ्रेंड बाय एंड एंजॉय।